नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। आज से दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय मॉनसून सत्र की शुरुआत। किसान आंदोलन, नए पुलिस कमिश्नर का मुद्दा गरम। पंजाब चुनाव पर है आम आदमी पार्टी की नजर। वहीं जल संकट के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, राजधानी में अगले 5 सालों तक नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया ऐलान। कहा कैग की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में बजट सरप्लस पर काम चल रहा है। इसके मुताबिक दिल्ली के लोगों को अगले 5 सालों तक भी मौजूदा टैरिफ रेट पर ही बिजली उपलब्ध होगी। भविष्य में बिजली की कीमतों में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है सरकार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 73,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद मिले 67 कोरोना पॉजिटिव केस। 3 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में अब एक्टिव केसों की संख्या 573। 334 मरीजों का अस्पतालों में और 165 मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। 7 मरीज कोविड केयर सेंटर में हैं भर्ती। दिल्ली मेट्रो में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती। यात्रा के दौरान मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 263 लोगों का कटा चालान। अधिकारियों के अनुसार मेट्रो स्टेशनों पर तैनात फ्लाइंग स्क्वाड ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 292 यात्रियों को मेट्रो से उतार दिया। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत सभी शिक्षण संस्थाओं को फिर से खोलने को लेकर सरकार ने बनाया प्लान। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ईमेल ID जारी कर मांगे हैं सुझाव। कोरोना की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन के बाद से बंद है राजधानी में शिक्षण संस्थाएं। बच्चों की सेहत से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार ने राजधानी के बेहद प्रतिष्ठित माने जाने वाले APJ स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का लिया फैसला। केजरीवाल सरकार के बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद फीस बढ़ा रहा था स्कूल। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा निदेशालय के APJ स्कूल प्रबंधन का टेकओवर अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी गई है फाइल। उपराज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद टेकओवर की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान संसद जारी। आज फिर 200 किसानों ने संभाली कमान। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 8 महीनों से चल रहा है किसानों का आंदोलन। किसान नेताओं ने कहा जब तक कानून रद्द नहीं हो जाते दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटेंगे प्रदर्शनकारी किसान। मोदी सरकार को दी आंदोलन और तेज करने की चेतावनी। राजधानी में नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी। नई नीति में शराब पीने वाले की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान करने के निर्णय को हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती। याचिकाकर्ता ने कहा है कि बहुत से लोगों के बीच एक राय है कि शराब का सेवन करने वालों की उम्र कम करने से छात्रों और समाज की युवा पीढ़ी में बढ़ेगी शराबखोरी की लत। दिल्ली पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। यमुना नदी में उफान के बाद खोले गए सभी गेट। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ लगते यमुना के इलाकों में अलर्ट घोषित। जानकारी के अनुसार बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 48 घंटे में पहुंच जाएगा दिल्ली। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ा है बैराज का जलस्तर। और दिल्ली NCR में बारिश का दौर जारी। लोगों को उमस और गर्मी भरे मौसम से मिली राहत। अगले कुछ दिन ऐसा ही बना रहेगा मौसम का मिजाज। जुलाई की बारिश ने तोड़ा है 18 साल का रिकॉर्ड। 2003 के बाद पहली बार मानसून में बरसा है इतना पानी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। निचले इलाकों में जलभराव की दी चेतावनी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।